हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजनी टीचिंग। आज हम टू कलर में पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है, बहुत ही ईजी पैटर्न है। सिर्फ आपको उल्टी और सीधी बुनाई करनी है इसमें। ये नीचे से हमने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से हमने ये फोर सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुन लिया है। दोनों साइडों से हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम 10 फंदे बीच में ग्रीन कलर से बुना हुआ है जो हमारा बेस कलर है। इसके बीच में हमने 10 फंदे बुनने के बाद दो फंदा हमने स्लिप कर लिया है। ये देखिए इस तरह से स्लिप कर लिया है। अब इसको हम बनाएंगे अगला पैटर्न। अगला पैटर्न बनाने के लिए हमें 10 फंदे बीच में यहाँ पे रखेंगे। ये बीच में हम एक दो फंदे स्लिप करेंगे। जो हमने यहाँ पे किया हुआ है उसको हमें बीच में करना है। फोर फंदे इधर रहेंगे, फोर फंदे इधर, दो फंदे बीच के हम स्लिप करेंगे। तो ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है। आप इसे लेडीज़ जैकेट, बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर आएगा। ये नीचे से हमने बॉर्डर बना लिया है। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा राइट साइड है, सॉरी फ्रेंड्स, और ये हमारा बैक साइड है। इसमें हमें कलर जब हम ऐड करेंगे दूसरा पैटर्न बनाने के लिए, तो इसमें हम बैक साइड से ही दूसरा कलर ऐड करेंगे रॉन्ग साइड से। ये हमारा राइट साइड है। ये हमने फोर सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली है उल्टा उल्टा दोनों साइडों से रेड कलर से। आप चाहें तो टू कलर में ही बना सकते हैं या फिर इसको थ्री कलर में, मल्टी कलर में, जितने कलर में आपको बनाना है बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम अपना यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ग्रीन कलर ऐड करेंगे तो ये फोर सिलाइयाँ जो हमने बुना हुआ है यही बुनेंगे, उल्टा सीधा बुनाई करेंगे जो हमारा बेस कलर है। यहाँ पे हम बैक साइड से हमें जितने भी कलर हम ऐड करेंगे बैक साइड से ही करना है इस तरह से। टू, थ्री, फोर, फाइव। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने वन फंदा ये स्टार्टिंग वाला है और ये फोर फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे दो फंदा हम स्लिप कर लेंगे। धागा हमारा ये ग्रीन कलर वाला आगे ही रहेगा। दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर यहाँ पे फोर फंदे हम ग्रीन कलर से, फिर 10 फंदे बुनेंगे। 10 फंदे बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे दो फंदे स्लिप करेंगे जैसे हमने किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्रीन कलर से फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है बैक साइड से। तो यहाँ पे हमने 10 फंदे बीच में रखने हैं, टू फंदे स्लिप करने हैं। तो इसके बीच में हम स्लिप करेंगे इस तरह से। देखिए अब ये लास्ट में हमारा वन फंदा स्लिप करने के लिए बचा है, इसको हम स्लिप कर लेंगे। अगर आप इस पैटर्न को सेट करने के लिए बनाना चाहते हैं, सेट करने के लिए अगर पूरा पैटर्न आप बनाएंगे तो इसमें आपको फंदे 10 10 प्लस टू करके मल्टीपल के फंदों में लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर से फोर सिलाइयाँ इसी तरह बुनेंगे। जो फंदे हमने स्लिप किए हैं दोनों साइडों से हम स्लिप करेंगे, उल्टा सीधा हमें बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्रीन कलर से फोर सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लिया है। दो फंदा जो हमने बीच में स्लिप किया था फोर सिलाइयों में हमने स्लिप किया हुआ है दोनों साइडों से। कि कितना ब्यूटीफुल बनकर आ रहा है ये जो हमारा पैटर्न है इस तरह से। ये हमने उल्टा उल्टा बुना है। अब हम यहाँ पे बैक साइड से दूसरा कलर ऐड करेंगे। फोर सिलाइयाँ हमने ग्रीन कलर से कंप्लीट कर लिया है जो हमारा बेस कलर है। अब यहाँ पे हम ये जो हमने नीचे बनाया हुआ था पैटर्न, ये पिंक कलर, यही हम फिर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं, मल्टी कलर में बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम सारे फंदे उल्टा उल्टा दोनों साइडों से फोर सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने टू रो उल्टा सीधा बुन लिया है। बैक साइड से हमने ऐड किया था पिंक कलर, उल्टा उल्टा बुना। फिर हमने राइट साइड से भी उल्टा उल्टा ही बुन लिया है। अब हम बैक साइड से बुनेंगे थर्ड रो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थर्ड रो बुनेंगे तो यहाँ पे भी हम बैक साइड से इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो हमारी यहाँ पे फोर सिलाइयाँ उल्टा उल्टा ही बनकर आएगा राइट साइड से। देखिए थर्ड रो हम बुनेंगे, इसको भी हम सीधा बुनेंगे
फिर ये हमारा राइट साइड से इस तरह बन कर आएगा, उल्टा बन कर आएगा, ये देखिए। फिर हम यहाँ पे फोर रो बुनेंगे राइट साइड से, तो इसको भी हमें उल्टा ही बुनकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, सारे फंदे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने पिंक कलर से फोर सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है। फिर यही हम बेस कलर जो हमारा ग्रीन कलर है यही फिर ऐड करेंगे बैक साइड से। यहाँ पे हम ग्रीन कलर से हम 10 फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमने जो 2 फंदे स्लिप किए थे वो स्लिप करेंगे। जो हमने नीचे बनाया हुआ है पैटर्न ये वाला, यही हमें सेम रिपीट करना है। ये पिंक कलर से जो हमने बनाया है 10 फंदे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। जो हमने नीचे पैटर्न ये पिंक वाला बनाया है इसी तरह हमने इसके ऊपर यहाँ पे रिपीट किया है। अब इसी तरह आप बार बार रिपीट करते जाएंगे अपना पैटर्न। आप 2 टर्न में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मल्टी कलर में। मल्टी कलर में बन के बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। आप इसे लेडीज़ जैकेट, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर में ज़रूर अप्लाई करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। एक और वीडियो मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।